अयोध्या विकास प्राधिकरण शहर के मास्टर प्लान की जानकारी आमजन को देने के लिए विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि मास्टर प्लान का प्रारूप अयोध्या विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में लगा दिया गया है। इसमें शहर के लोग अपने इलाके के विकास के मास्टर प्लान को देख सकेंगे। कोई आपत्ति या सुझाव हो तो 2 प्रतियों में लिखित रूप से 7 जनवरी तक दिया जा सकता है। इसका निस्तारण विकास प्राधिकरण की ओर से गठित टीम द्वारा निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण के आधिकारिक वेबसाइट पर भी आमजन मास्टर प्लान को देख सकेंगे और ऑनलाइन ही आपत्ति व सुझाव भी दे सकते हैं। पूरा प्लान 12 लाख आबादी की सुनियोजित ढंग से आवासीय, कमर्शियल व कृषि की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मास्टर प्लान में अयोध्या जाने वाले 3.5 लाख की फ्लोटिंग आबादी को दर्शन पूजन की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। इसमें सड़कों का चौड़ीकरण, परिवहन की सुविधाएं, पर्यटकों व श्रद्धालुओं के रुकने के स्थान, पार्किंग स्थल समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदर्शनी लगाने की एक प्रक्रिया है। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारा अयोध्या विकास प्राधिकरण छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ की जो हमारी टीम है उसने बहुत मेहनत करी और आज उत्तर प्रदेश में पहला जिला है 59 जिलों में से अयोध्या विकास प्राधिकरण जिसने अपने मास्टर प्लान का प्रारूप प्रदर्शित कर दिया है। ये प्रदर्शनी 1 माह तक चलेगी और इसमें सभी जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी ज़मीनें हैं अयोध्या में, उन सभी को इसका मौका मिलेगा कि वो आएँ, उस नक्शे को देखें, जो प्रस्ताव किए जा रहे हैं उनको देखें और यदि उनके कोई आपत्ति है, कोई उनका सुझाव है, अपनी ज़मीन को किसी अन्य कैटेगरी में रखना चाहते हैं या कोई उनका अन्य ऐसी आवश्यकता है तो वो वहाँ पर आकर अवगत कराएं। बाकायदा सभी की शिकायतों को नोट किया जाएगा, उनका लिखा उसको नोट करने के बाद उनका जो डिस्पोजल है वो भी स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा ताकि जो हमारा जो मास्टर प्लान बने 2031 के लिए वो भविष्य की आवश्यकताओं के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसको भी पूरी तरह से एड्रेस कर सकें।